अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ हेयर मास्क। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इफेक्टेबल है। इसके लिए हमें चाहिए 6 चम्मच दही, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 अवीन के कैप्सूल, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून तेल, सरसों का इस्तेमाल किया और 1 टेबल स्पून लेमन जूस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडे को फेंट लेंगे। अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेना है। तो व्यूवर्स, ये मास्क बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्ल्स भी। तो व्यूवर्स, अंडा फेंट लिया मैंने। अब इसको मैं छोटे बाउल में डालूंगी। इस बाउल में अंडा डाल देंगे। अंडा डालने के बाद हमने 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालनी है। मैंने हल्दी डाल दी और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर विटामिन ई यानी एवियन के 2 कैप्सूल डालेंगे। ये भी उनका पहला कैप्सूल मैं डाल रही हूँ, देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम दूसरा कैप्सूल ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, कैप्सूल दोनों डाल दिए मैंने। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल मैंने डाला। आप कोई भी डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा सरसों का ही इफेक्टेबल है, वही ज़्यादा सही रहेगा। और अब इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, इसके अंदर डाल देंगे। इससे अंडे की स्मेल नहीं आएगी आपके बालों से। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं सही से। अब हम लास्ट में डालेंगे दही। इसके अंदर 6 टेबलस्पून दही जाएगा। 1, ये 2 टेबलस्पून, ये 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून और 6 टेबलस्पून। और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये वाला मास्क मीडियम से लॉन्ग बालों तक के लिए काफ़ी है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा मिकदार में डबल करके डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और मैं अगली आने वाली नई वीडियो में आपको कौन सी टिप दूँ, क्या बना के दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मास्क अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। तो आपने इसको तकरीबन आधा घंटा बालों पे लगाना है, उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो व्यूवर्स, आपने मुझे इसका रिज़ल्ट कमेंट करके ज़रूर बताना है। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी आने वाली नई वीडियो का इंतजार करें। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।